अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। सलाउद्दीन अयूबी सेकंड सीजन स्टार्ट होने वाला है, 21 अक्टूबर है और हम सब खुश हैं क्योंकि जाहिर सी बात है इसका फर्स्ट सीजन अच्छा गया था। इतना बेटर नहीं गया था पर अच्छा गया था, क्योंकि एक्टर का ज़रा थोड़ा सा वो था कि लोग बोल रहे थे एक्टर जो है किसी और को लेते तो अच्छा होता, पर मेरे लिहाज से चलो सही है, A1 है, अच्छा है, जो भी है। अब सेकेंड सीजन आ रहा है उसकी तैयारी पकड़ ली। इसमें कोहिनूर अल्प जो है वो जो रोल कर रहे हैं उसमें एक्टर, वो अब एनिमी का रोल करेंगे सलाउद्दीन अयूबी के। और वो कैरेक्टर्स के नाम याद करने में तुम लोगों को पता है मैं कितना दिमाग मेरा वो होता है कि मुझे थोड़ा सा ना याद करने में टाइम लगता है। पूरी वीडियो देखना, लाइक सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन दबाना। तो दोस्तों अब देखना ये कि क्या वन सीजन से अच्छा रहेगा, क्योंकि वन सीजन को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था। एक तो एक्टर उन्होंने बोला था सलाउद्दीन अयूबी को कोई चेंज अच्छा वाला बिल्ड वाला लाते, पर चलो इनसे काम चला लेते हैं, ये अच्छे हैं एक्टर। और दूसरा ये कि सेकंड सीजन यही दिखाया कुएं से निकलने की एक दिखाई है कि वो जब जब ऊपर चढ़ रहे हैं तो जितने भी एनिमीज फ्रेंड्स उनके चेहरे वेहरे आ रहे हैं और फिर वो कुएं में वापस गिर जाते हैं। थोड़ा सा बैटमैन जो थर्ड पार्ट था ना उस जैसी मुझे थोड़ी सी वाइब आई, वो भी ऐसे करके कुएं चढ़ते रहते हैं ना फिर गिरते हैं ऐसे करके, उधर से थोड़ा सा ऐसा मुझे लगा पैटर्न लिया। बाकी फिर उसके बाद जो है वो अपनी वो लाइफ समझ रहे होते हैं, फिर वो जेरूसलम का सीन दिखाते हैं कि वो सजदा करते हैं अल्लाह से, दुआ करते हैं, तो वो एक बिजली गिरती है और वहाँ से जो सलेबी निशान है उसको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं वो हट जाता है और फिर वो जो है ना खुश हो जाते हैं कि अब जेरूसलम उनका हुआ। तो ये सीजन का जो टीजर है बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार ज़बरदस्त अच्छा है। पर इसमें ये भी है कि इसमें एक बात बताना चाहता हूँ यार, पाकिस्तानी एक्टर्स का है, पाकिस्तानी एक्टर्स बड़े जोशो खरोश से कहते हैं भाई हम आशा उमर नजर आएंगी, फरहान अली आगा नजर आएंगे, सिर्फ एक किरदार नूर का, नूरुल हसन का फर्स्ट सीजन में नजर आया था, फिर उसके बाद जो है ये लोग पाकिस्तानी एक्टर्स को इतना भाव नहीं डाल रहे। अगर डाल रहे होते तो प्रोमो में भी कुछ डालते उनकी तफसीलात कि भाई ये एक्टर्स भी हैं इसमें। अब इन लोगों का जाहिर सी बात है छोटा ही किरदार होगा, थोड़ा थोड़ा करके इनको दिखाएंगे और फिर कटा देंगे। ये बड़ा बातें कर रहे थे कि भाई हम लोग को सेकंड सीजन में पूरी तरीके से लाएंगे, तो पूरी तरीके से ये लाया कि टीजर में ही नहीं है। अब प्रोमो में जो इसका ट्रेलर आएगा उसमें में भी हो सकता है कोई पाकिस्तानी किरदार लगे, आयशा उमर नजर आ जाए, फरहान अली आ नजर आ जाए, वरना मुझे तो कोई आसार नजर ही नहीं आ रहे इनके। भाई ये क्या कर रहे हैं, ये ना इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे भी इंडिया वाले चलो कम से कम फिर भी अपनी फिल्मों में कुछ अच्छा रोल दे ही देते हैं साइड पे, पर ये तो तुर्की वाले तो बिल्कुल ही नहीं रोल दे रहे वैसा जैसे देना चाहिए, मतलब बिल्कुल सामने आके देना कि भाई ये भी हैं पाकिस्तानी एक्टर, तो फिर मिलके अच्छा काम बनता है। बहरहाल आगे चल के देखते हैं इसका जो सलाउद्दीन अयूबी का सेकंड सीजन है ये कितने जबरदस्त तरीके से उठता है। मुझे तो अच्छा लगा टीजर, पर पाकिस्तानियों को डालते तो और अच्छा लगता। अब देखते हैं ट्रेलर में आता है, यानी 21 अक्टूबर से शुरू है। मे भी हो सकता है कुल्लू उस्मान का जब हम रिव्यू करेंगे तो इसका भी रिव्यू फिर हो जाएगा एक साथ ही। तुम लोग इसके बारे में जाके तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।